गुड मॉर्निंग दोस्तों, बंसी बिश्नोई एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वियतनाम के होचिमिन सिटी से। आज हम चलेंगे वियतनाम के एक मार्केट में और लोकल मार्केट में आपको ये दिखाएंगे कि वियतनाम कितना महंगा है। मैंने कंबोडिया दिखाया, थाईलैंड दिखाया, लेकिन वियतनाम कितना महंगा है ये पता करना पड़ेगा। तो लोकल मार्केट में चलते हैं और वहाँ से सब चीज़ें आपको देख करके बताते हैं कि ये कितना महंगा सस्ता है। ओके, तो हम कोशिश करेंगे किसी से बात भी करें, भाव ताव भी करेंगे तो पता चलेगा। लेट्स गो। वहाँ पे देख रहे हो भाई, खतरनाक बारिश हो रही है और इस तरफ भी देखो वहाँ पे भी बारिश हो रही है खतरनाक। हम बीच में कोरे कोरे घूम रहे हैं लेकिन ये बारिश धीरे धीरे इस तरफ आ रही है। तो होचिमिन सिटी की ये है बैंथन मार्केट, बहुत पुरानी मार्केट है और बहुत बड़ी मार्केट है। तो अब चलते हैं इसके अंदर और इस मार्केट को दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे वियतनामी टोपीज देखो, चाचे की जो टोपीज है ना, कितना बड़ा मार्केट है, क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। ओ नो स्मोकिंग भाई, क्या मार्केट है देखो, बाजार को देखते जाओ यार, कपड़े मिल रहे हैं, सब ये चीजें मिल रही है, सब सब लेडीज है भाई, हां सब लेडीज है, हां हां बेचने वाले सब महिलाएं हैं भाई, पूरे पूरा इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ। तो यहां पे पर्स भी है देखो, फोन लाइन कैप भी है। बहुत जबरदस्त मार्केट है, पूरी मार्केट में आपको बहुत कुछ सामान मिल जाएगा, लेकिन सब महिलाएं बेच रही हैं, कोई इंसान नहीं दिख रहा, लेने वाले कोई हमारे जैसे घूमते होंगे। ये देखो अच्छे से शूज भी हैं और ये देखो भाई कितना बड़ा फैन है, ये साथ में हो जाता है 3,50,000 in $15 $1,100 का होता है। ये पंखा कैसे लेते भाई, देखते हैं इसको। ये देखो ये वियतनामी टोपीज हैं, ये छोटे बच्चों के लिए है और मैं आपको पहन के दिखाता हूँ। हाउ मच दिस वन? 80,000 और बिग वन? 120, यानी कि करीबन $5 का हो गया। जस्ट शो मी बिग फैन हाउ टू यूज। यस यस, ओके, हाउ मच? 80, ओके, एंड लिटिल वन? ओके भाई, तो शुरुआत अच्छी हुई है, मार्केट में बहुत बढ़िया सामान मिल रहा है यार। देखो चीज़ें देखो यार, कसम से कितने कमाल की चीज़ें मिल रही है, देखो बहुत अमेजिंग चीज़ें यहाँ पे मिल रही है हर चीज़। और यहाँ पे वियतनाम की जो झलक है ना वो दिखती है यहाँ पे सही में। ये जो टोपी के आकार का दिया हुआ है, देखो भाई ग्लासें हैं, बहुत खूबसूरत ग्लासें हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो दोस्तों फिलहाल मैं हूँ बैंथन मार्केट में और यहाँ मार्केट में बहुत ही खूबसूरत सजी हुई मार्केट है और बहुत खूबसूरत सामान मिलते हैं। तो मैं आपको चल करके पूरी मार्केट दिखाता हूँ और एक एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है इसमें चीज़ें अलग अलग प्रकार की, लेकिन हर चीज़ में आपको वियतनाम की झलक दिखेगी। इसके ऊपर जो टोपी होती है ना वियतनाम की, जिसकी पहचान है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो चलो फिर आते हैं। यहाँ पर देखो ये सब सामान मिलता है, ये बाउल है, ग्लास है, सब कुछ मिल जाता है, अलग अलग प्रकार की प्लेटें हैं। ये देखो मोमबत्ती है छोटी सी, ये देखो लालटेन जिसको बोलते हैं वो वाली, और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सामान आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम कुछ सामान का हम भाव भी आगे जाके पूछने वाले हैं। हेलो, हाउ मच दिस वन? या 200। देखो कितनी खूबसूरत प्लेट है यार, 200 मीन्स $9 इंटू 77, हाँ ₹680, बहुत शानदार चीज़ है। और ये देखो इसका सेट है साढ़े आठ लाख का और तीन है इसके अंदर, आप चटनी वटनी रख सकते हैं और टेबल पे रख सकते हैं। बहुत ये थोड़ा महंगा पड़ गया, 8.5 लाख मतलब बहुत महंगा हो गया, मतलब सीधा इसका 4 गुना और कर दो जो भी
लेकिन चीज़ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे, हर चीज़ लगता है, गाड़ियाँ और सब खरीद के घर ले जाऊँ। चलते हैं आगे, कंटिन्यू। ये देखो यहाँ पे स्टील के ये सब सेट मिल जाते हैं, चम्मच वगैरह सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर आपको पूरा सेट मिलता है। ये छोटे छोटे प्याले देखो, ग्लास वगैरह कितनी खूबसूरत है। चलो आगे, और यहाँ पे देखो सोवेनियर शॉप जिसको कहते हैं, सब ये भी बहुत खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। इस तरफ देखो तो ये सब चीज़ें ही हैं। ये देखो डायमंड जैसा लग रहा है भाई, हैं डायमंड जैसा ही है ना, रूबी। वो आप कहीं भी फिट करवा सकते हैं, इसकी प्राइस क्या है पता नहीं। और यहाँ पे कुछ कपड़े की दुकान है। हाउ मच दिस वन? $750,000 कितना हुआ भाई? हैंडमेड है। ओ ये देखो, ये हैंडमेड चीज है। दिस वन हैंडमेड? नो नो, दिस वन मशीन। मशीन बस मटेरियल मेक फ्रॉम सियो। हाउ मच? आल्सो गुड क्वालिटी। दिस वन 600,000। ये वाला दुपट्टा 6 लाख का है। 6 लाख मतलब हो गया, अब हिसाब किताब मशीन लगानी बहुत तेज इसमें बहुत, क्योंकि 23,000 से इसको मल्टीपल करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। 1900 रुपये का। और ये देखो, ये तो अपने वहाँ पे मिल जाता है बहुत सादा। हाउ मच? 400। इज टू एक्सपेंसिव इन इंडिया, लाइक ओनली $2 फॉर 50,000। दिस वन इज, दिस वन इज एक्सपेंसिव, दिस वन गुड। This one Vietnam. Yeah. Some item is very cheap, some expensive. Yes. What design you want to buy? This. No, I just check rate. I make a video. Yeah. Only just. Check. And don't buy in no, Vietnam. No. This is not required. I just check rate. Check my store and buy for another yes, store. Yes. Oh my God, my heart rocket. You do like that? Make video for YouTube. I have YouTube channel. You know YouTube. YouTube? Yeah. I saw you. I don't know. Wow. You famous? Very famous. Very famous. 4 lakhs. 400,000 subscribers. Oh. Thank you. Only that. How to say thank you? How to say thank you? Come on. Yes. Come on. Buy one and after. No, thank you. No. Come on. I have her one more. Okay, later, 100. Later, okay, let me myself, sir. Later. 100. Later. भाई यहाँ पे लोग पीछे ही पड़ जाते हैं जब आपने बात कर लिया ना एक बार, तो बोले ले ही लो, ले तो इतने प्रेम से बोलते हैं ना, फिर बंदे को लेना ही पड़ता है। यहाँ पे देखो, इधर देखो, आई लव वियतनाम के हिसाब से ये भी दिया गया। हाउ मच? 30,000। ये मतलब करीबन 100 रुपये के आसपास का है। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़ है भाई, वो दादा जब पीते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, छिलम बोलते हैं, छलम। अच्छी है। हाउ मच दिस वन? प्रेम चोपड़ा वाला है वो। प्रेम चोपड़ा जो पांच लाख का है। 5 लाख मीन्स हो गया 1800 इंडियन रुपीस। थैंक यू। 1700 इट्स ओके। हाँ पूछो। एक्सक्यूज मी, एप्पल हाउ मच? This one how much? 101 kilo. $1,80,000 का ये हो गया $4। ये $350 हो गए अपने, $350 ज़्यादा है यार, हमने कल 100-200 में खरीदा है। देखो भाई यहाँ पे सब कॉफ़ी और सब सामान मिलता है। लाठी कितने की है भाई? दादी पूछो मत फिर। और हाथी के दांत ऐसे बिगड़े, शायद हो सकता है डुप्लीकेट भी हो, लेकिन है ये, शायद हाथी दांत से बनी हुई चीज़ें हैं कुछ। और ये सब फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग चलती है भाई। हमने पूछा तो बोले आप कितना दोगे आप बता दो, मैंने बोला आप तू नाराज़ हो जाएगी। हेलो। और सब व्यस्त हैं अपने में, जो कंबोडिया वाला सिस्टम यहाँ पे आ रहा मुझे। हेलो कैम ऑन। ये देखो भाई काजू है, 1 किलो 4,20,000 का, 4,20,000 एक किलो। अच्छा रेट लिखा ही है भाई, इधर ये सांप और बिच्छू भी लिखा है। कहाँ है? वाओ भाई इतना बड़ा स्कॉर्पियन है भाई, इसके अंदर सांप भी है भाई। तो बोला सांप और बिच्छू दोनों है। वाओ ये क्या है? ये कुछ ड्रिंक है यार। ड्रिंक है।
वाओ, ये तो अपने तो साला सुगंध ले लिया तो भी मर जाएंगे. नो नो, हाउ मच प्राइस? 1 किलो. हाँ, 1 किलो 4020. 1 सेकेंड. 300 से डिवाइड कर दो, इंडियन रुपी निकल जाएगा. कितना? 300 से डिवाइड कर दो. 1400 रुपये किलो. बहुत महंगा हो गया ना. नो नो, इट्स ओके. हाउ मच? हाउ मेनी यू बाय? यू से मी वन प्राइस. 25,000. टी शर्ट? वियतनाम. वियतनाम How much t-shirt price, dong? 4.5 lakh. Ek ka? Haan, iska. Basket born. Very too expensive, like, so me. Into TV suja. How many you buy for this car? $20. Oh, 1500 rupaye ki bhai. How much you want? 100 gram, okay? Sir, have look please, sir. Yeah, yeah. Hello. Bye, oh my god. Hello. Sorry. It's okay. My wallet. Ye wali cheez. Okay. What is this? Helmet? Yeah, helmet. How much? Vietnam dong. Ye hai Vietnami helmet. Isko aisa pehenne ka. Bhai lag raha hai jaise main koi army mein hu. 1.5 lakh ka bol rahe hain. Isko le kaise jayenge? Camera kidhar hai tumhara? ये एक और है भाई. Show me. And somehow, Vietnamese man, huh? No, I am not looking good. Good boy. I am bad. So this. और अंदर से क्वालिटी भाई ठीक ठाक ही लग रही है, बस ये देखने में अच्छा लग रहा है कि वियतनाम का है. बाकी है ऐसा में देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये तो लगेगा उल्टा. ये लग रहा है मेरे को, ये वाला है ना, इधर लग रहा है. ये भाई कैसा लग रहा हूँ देखो, बुरा लग रहा हूँ, बहुत बुरा इंसान लग रहा है. ओ अच्छा लग रहा है यार. ओके. ये क्या है, छपरे जैसा? सो ये अच्छा लग रहा है यार. $90? And this one price? This one I can sell for you about 15. 15? 15, yes. 150. 150. A sling bag. Here I sell you the black one. And I got 3 color. Pablo. That's one very good. Very strong. You can carry a lot. Very strong. No, it's okay. I saw you see just so good. Can I sell you? That's one very easy carry because inside got many pockets. This one? Same price for you, yes. 1 second. I got different color. Are you from India too? Yeah. Okay. Yeah. I think maybe India or Sri Lanka. You got the fake and similar, same. Yeah. Sri Lanka is too many. I don't know. But India more famous. Yeah. Famous country. Black or blue? Black सही लग रहा है. नीचे से ऐसा हो रहा है ना? नहीं नहीं, black सही है. But ये ऐसे लटक रहा है. सही नहीं नहीं नहीं. वो ऐसी हो तो वो उसको टेंशन नहीं है. You want have a look? Navy? ये सही नहीं है ना? नहीं, काला अच्छा लग रहा है. But ये कंपनी कैसा है? हाँ? ये North Face. ये कंपनी जो बहुत अच्छी कंपनी है. सही में? हाँ, फेमस कंपनी है बहुत. तो भाई ये वाली चीज़ खरीदते हैं यार, मुझे लगता है कि काम बहुत आएगा. बाहर जाते हैं ना तो ये एक, हम जब कैमरा वगैरह डाल के ऐसे घूम सकते हैं. अभी ये बड़े वाला बैग ले जा रहे हैं और एक ये भी है, लेकिन ये मुझे ठीक ठाक लग रहा है. ये कैसा है ये वाला? इससे ये नहीं, ये अच्छा है. और दिस वन फाइनल प्राइस. I know talking because I need to sell, you know that, because today it's me today. I'm very hard work. I don't talking to everything. I'm very hard work, so I want to sell. Very good bargain. Quality
10 is okay. 10. Okay for 10. You. You win. What color you want? Black or blue? ये कैसा है? लाल भी अच्छा है, काला भी अच्छा है. तो देखो अब कौन सा लेवल. ये ठीक है. ये लाल अच्छा है. थैंक यू. भाई साहब $10 यानी कि ₹700 हुआ, 750 के आसपास. ओके. यस. यू हैव यू एक्सेप्ट डॉलर. ओके. यस. आई हैव नॉट. ओके. आई नो. Okay, follow me. अभी हम आए मनी एक्सचेंज कराने के. मनी मतलब मैं डॉलर के सामने डॉलर ही लेने वाला हूँ, कोई चार्ज नहीं है. वो इनकी वजह से, ये बहन जी हैं वो यहाँ पे लेकर के आए. बोले इनकी दुकान वहीं है ना सामने, तो बोले कि चलो वहाँ चल के मैं आपको एक्सचेंज करा के दे देता हूँ. तो वो करते हैं हम यहाँ से और फिर वापस जाके इनको देते हैं $10 इस बैग का. तो काफ़ी बार्गेनिंग करा है. ये $15 बोल रही थी, 15 से 10 पे ला दिया मैंने यहाँ पे. तो ये है बेंथन की मार्केट और जितना घूमो उतना कम है. और यहाँ पे आप सामान जो भी देखते हैं ना, आपका मन हो जाता है ख़रीदारी करने का. लेकिन अब मैंने भी ख़रीदारी कर लिया. देखो ये एक बैग ख़रीदा है $10 का, करीबन ₹750 के आसपास का. और जो पहले ख़रीदा था वो आपने देखा होगा, ये दूसरे वाला सामान और है. वो कितने का था भाई? 1100 के आसपास. कौन सा? वो 1100 का था. 1100, 2000 का खर्चा हो गया. और अभी वाइफ तो लटकती रहेगी, वाइफ के लिए तो अभी कुछ ख़रीदा ही नहीं है. तो अब मैं आ गया हूँ कि हेलमेट शॉप पे, और हेलमेट भी आपको दिखा देता हूँ ताकि पता तो चले कि इंडिया में हेलमेट और यहाँ के हेलमेट काफ़ी अच्छे हैं. छोटे छोटे बच्चों के लिए भी हेलमेट मिल जाते हैं. और यहाँ पे देखो ऐसी क्वालिटी का हेलमेट मिल जाता है. ये वाला, ये दिखने में रबड़ जैसा लग रहा है लेकिन काफ़ी कड़क है और अच्छा भी है. इसका रेट पूछते हैं अभी अंदर जाके के. और सब हेलमेट बहुत बढ़िया क्वालिटी के यार, देखो अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे. और ये टोपी है देखो, वो छोटी छोटी टोपी है भाई, बहुत गजब गजब की टोपी है. ये वही मार्केट में मिल रहा था, वही वाला. और बच्चों के लिए हेलमेट देखो कितने खूबसूरत हेलमेट है. हेलो आई फ्रेंड, मैं हेलमेट देख रहा हूँ, कोई सस्ता अगर $2-4 में मिलता हो ना तो एक मुझे ख़रीदना यार, अगर मिल जाए तो. बॉय गर्ल? हाँ बॉय. बॉय. ओके. यू सो मी हाउ मच? 180 इन डॉलर. यस आई थिंक $10 $8 $8 सो मी $8 $5 दे देता. ठीक है, ले जाएंगे. कैसे? वाह पकड़ो. अच्छा है यार बच्चों के लिए हेलमेट, अच्छा है. कोई बाहर जाने के लिए काम आए तो मत. मेरे बच्चे ना आगे बैठते हैं बाइक पे, तो ये सही है. एनी अदर अदर वन? कितना छोटा? पिकाचू. आ जाएगा ना पिकाचू. ये ठीक है, पीले वाला. ओके ये अच्छा है, ये ले सकते हैं. सो फाइनल प्राइस? चीपर. नो नो. 5? नो. इट्स ओके माय फ्रेंड. ओके 7. ओके 6? नो 7. 6 इज ओके फॉर माय किड्स. इट्स ओके थैंक यू. तो ये $6 में ले लेता हूँ. और इसको ले कैसे जाएंगे मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ले जाता हूँ. मेरे को बहुत पसंद है यार. मैं सोच रहा था काफ़ी समय से बच्चों के लिए हेलमेट के लिए, लेकिन मिल ही नहीं रहा था. और यहाँ पे फाइनली मिल ही गया, तो ये भाई साहब ने मुझे दे दिया $6 में. 6 यानी कि करीबन कितना हो गया? 460 रुपये में. अच्छा यार 460 मतलब गुड प्राइस. इट्स ओके. ओके मैन थैंक यू. आई हैव डॉलर नॉट डन. इट्स ओके. ये वाली कैप है, पता नहीं मेरे पर लगेगी कैसी, अच्छी नहीं लग रही होगी. $5 यार ठीक मिल रही है यार, हर चीज़ यार रेट सही मिल रहा है. सो मी. और आज आपका भाई जम करके ख़रीदारी कर रहा है भाई, छोटा एक हेलमेट भी ले लिया इस सब के लिए. और मैं कब से चाह रहा था कि बच्चों के लिए एक हेलमेट होना चाहिए, जब भी बाहर जाए ना तो हेलमेट ज़रूरी है. और फाइनली आज मिल ही गया. तो ये भी ले लिया $6 में. और 450 रुपये में बहुत सस्ता है, कह सकते हैं बहुत सस्ता यार. इतना सस्ता मतलब इंडिया में तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो ऐसा मिलेगा ही नहीं. ये करीबन 800 रुपये के आसपास ही मिलेगा पक्का. और मिलेगा भी नहीं मेरे हिसाब से, मिलना भी मुश्किल है क्योंकि बच्चों के लिए हेलमेट बहुत कम है. तो भाई अब घूमते घूमते थोड़े थक गए हैं, तो क्यों ना चले कॉफ़ी शॉप में और कॉफ़ी पीते हैं और थोड़ी देर बैठते हैं. यहाँ पे ऊपर बैठने की अच्छी जगह है, तो इसके अंदर चलते हैं. और यहाँ पे कॉफ़ी है वो $2 की मिल रही है. ये कॉफ़ी की शॉप है. चलो ऊपर बैठते हैं फिर. ये
देखो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं मौज मस्ती कर रहे हैं हमारे भाई साहब का। और ये गैलरी है ना पूरी बैठने की, ये बहुत ज़बरदस्त है। हेलो माय फ्रेंड, बड़ा ही अलग कैफे है। अच्छा यार, बहुत यूनिक है, मतलब ऐसा नॉर्मल रहता नहीं है ये, पूरे सब पूरा सारा लकड़ी का बना हुआ है, पूरा लकड़ी का घर बना हुआ। और ये मतलब इस तरह अपने अंदर एक भी ना व्हाइट लाइट नहीं है, एकदम सिर्फ ये लालटेन जैसा है, लालटेन जैसा है। और मतलब ऐसा लगता है अपने घर की अलमारी में बैठे हुए ऐसा लग रहा है ना। और बहुत पुराने टाइप का है, पुराना ही घर लगता है मेरे को, पुराना है। हो सकता है इसको नया बनाया हो, लेकिन मतलब घर थोड़ा हमें थीम बहुत जबरदस्त है। तो क्या मेन्यू कार्ड इतना पुराना, मेन्यू कार्ड भी बहुत पुराना है, ऐसा लग रहा है कि कैफे 200 साल पुराना है। कितने का है? कॉफ़ी सब 50,000-55,000 की एक कॉफ़ी है। एंड $2 मतलब थोड़ा सा ऊपर करीब 150 रुपये की एक कॉफ़ी है। और ये आ गया बर्फ़ वाला पूरा पानी, मिलते फिर कॉफ़ी आती तो। भाई साहब एक कॉफ़ी बहुत महंगी पड़ गई हमें, यहाँ पे आए हुए करीबन एक घंटा हो गया और बारिश धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, कैफे के बाहर पूरा पानी भर गया और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जमे हुए हैं। दिखाता हूँ आपको, देखो, और बाहर बहुत भयंकर बारिश हो रही, पूरा जम करके बारिश हो रही है और पूरा का पूरा पानी भर गया है। क्या लगता है भाई फंसे रहेंगे? भाई मुझे लग रहा है कि अभी ना ये 4-5 घंटा दूर ही जाने वाले हो सकते हैं। आपको पता है हनोई में अभी फ्लड आया था बहुत जबरदस्त, तो ऐसा ही हाल यहाँ पे बहुत ज्यादा। इंडिया पहुँच पाएंगे कि नहीं? हमारी तो 2 दिन बाद फ्लाइट है, 4 दिन बाद। अरे हो जाएगा, तब तक तो बारिश बंद हो जाएगा। नहीं आएंगे ना तुम्हारे सब्सक्राइबर बचाने आएंगे ना तब तक, इसकी छत उड़ गई ना तो भाई हम मर जाएंगे। नहीं आज तो 4-5 घंटा भी जा नहीं सकते कहीं भी। भाई इधर दिखाता हूँ आपको, जूम करके कैमरा दिखाता हूँ, कैफे के अंदर पानी भर रहा है लगता है। ये देखो अंदर आने का दरवाजा है, वहाँ देखो आप, ओ भाई देखो पानी। दो घंटे होने लगे यार, एक कॉफ़ी कप की पी ली, अभी एक और कॉफ़ी मंगाया है, ये भी काफ़ी महंगी यार, $2 के समथिंग है यार। करके आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ, देखो देखो भाई नदी बह रही है बाहर वियतनाम में। ये देखो भाई ये हाल है भाई, यहाँ पे बहुत कड़क बारिश हो रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए, लेकिन बारिश में भी मज़े ले रहे भाई। देखो ये भाई साहब की बाइक बंद हो गई, उनकी बंद हो गई, ये देखो वहाँ पे बंद हो गई, काफ़ी सारे लोगों का यही हाल है भाई बारिश में। ये देखो इधर और फंसे पड़े हैं, थोड़ा सा पानी कम हो गया है दोस्तों, और देखो अब लोकल लोग मज़ा लेने के लिए निकल गए हैं, अब हम भी निकलते हैं यहाँ से कहीं फिर बारिश ना आ जाए, अब पानी कम हो गया। वीडियो को एंड करते हैं, ये ख़रीदारी तो ठीक ठाक हो गई, लेकिन ख़रीदारी के बाद जो कॉफ़ी पीने गए ना वो कॉफ़ी बहुत महंगी पड़ गई, यहाँ पे करीबन 2.5 घंटे हमारे बीत गए, 2.5 से 3 घंटे, और अब बारिश बंद हो गई है, लेकिन पानी यहाँ पे अभी भी भरा हुआ था,
तो जूतों में पानी घुस गया है। अब पहुँचते हैं हॉस्टल और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाबा जय हिंद। एक तक ना, तब तक रहेगा, कोई चिंता मत करो।